सबसे दमदार महिला उम्मीदवार ने योगी सरकार के मंत्री को बताया अपना ससुर, गर्मा गई सियासत। काजल निषाद की बात सुनकर भड़क गए मुँह बोले ससुर साहब, बोले मैं ये नहीं सुन सकता। सीएम सिटी गोरखपुर में चुनावी वक्त की आहट, अखिलेश के भरोसे पर खरा उतरने को काजल निषाद ने कर दिया है ऐसा ऐलान। लोकसभा चुनाव की गहमा गहमी के बीच सीएम सिटी गोरखपुर में माहौल कुछ ज्यादा ही गर्मा गया है। अखिलेश यादव ने यहां समाजवादी पार्टी से काजल निषाद को उम्मीदवार बनाया है और काजल अपने तेज तर्रार रवैये के साथ चुनावी प्रचार में भी जुट गई हैं। इस बीच उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जिससे योगी सरकार के मंत्री को मिर्ची लग गई है। दरअसल काजल का कहना है कि योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद उनके ससुर लगते हैं। संजय निषाद को उनकी उम्मीदवारी का विरोध बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एक्टिंग की दुनिया से राजनीति में आई काजल ने कहा कि मैं निषाद परिवार की बहू हूँ, संजय निषाद भी इसी समाज से आते हैं, वो रिश्ते में मेरे ससुर हैं, अब मैं उनको और क्या कह सकती हूँ। दिन रात इसी बात पर ध्यान है कि निषाद परिवार की बहू लोकसभा चुनाव जीत कर आए। आखिर उनको निषाद परिवार की बहू से दिक्कत क्या है जो वो मेरा विरोध कर रहे हैं, उन्हें तो हमारे पास आकर आशीर्वाद देना चाहिए। इधर काजल निषाद ने ये बयान दिया, उधर संजय निषाद को गुस्सा आ गया। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने काजल के ससुर कहने के तंज का अब करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि कोई कुछ भी कह सकता है, किसी के कहने के लिए मैं उसको रोक नहीं सकता। कहने से पहले व्यक्ति अपने कर्मों पर ध्यान दे तो फिर उसकी जवान जरूर रुक सकती है। उन्होंने कहा कि जनता सबका ध्यान रखती है, बात निषाद समाज के हित की है। निषाद पार्टी निषाद समाज का हित अच्छे से साध रही है, किसी और ऐसे नेता की जरूरत नहीं है जो अपना हित साधने आया हो। उन्होंने कहा कि सुरक्षा और मान सम्मान के साथ अगर समृद्धि चाहिए है तो फिर एनडीए की ही सरकार बनेगी। 400 पार इस बार एनडीए की सरकार होने जा रही है। डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि जनता का हक छीनने वाली सिर्फ दो पार्टियां हैं और इन पार्टियों के नाम सपा और बसपा हैं। डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि 7 जून 2015 को समाजवादी पार्टी ने जो कृत्य किया था उसी के बाद से निषाद समाज उनसे खफा हो गया। निषाद समाज पर इस पार्टी ने काफी जुल्म किए हैं। उन्होंने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ना, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना और देश की अर्थव्यवस्था को तीसरे नंबर पर लाना, भारत को समृद्धशाली बनाना, यही हमारा काम है और ये एनडीए की सरकार इस बार करके रहेगी। तिवारी हाथा पर छापे को लेकर भी उन्होंने कहा कि ईडी एक स्वतंत्र एजेंसी है और वो अपना काम करती रहती है, इसे राजनीति के चश्मे से नहीं देखना चाहिए, सरकार किसी पर छापा नहीं डलवाती। बहरहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के क्षेत्र गोरखपुर में सियासत गर्माई हुई है। संजय निषाद और काजल निषाद आमने सामने हैं और एक दूसरे पर अपने तरीके से तंज कस रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।